स्वागत है आपका टॉप 5 एंटरटेनमेंट न्यूज में और मैं हूँ फरा खान। आज मैं फटाफट आपको बताऊंगी बॉलीवुड की 5 बड़ी खबरें। वेस्ट इंडीज दौरे पर विराट कोहली, फिर नजर आई अनुष्का शर्मा। टीम इंडिया वर्ल्ड कप के बाद वेस्ट इंडीज टूर के लिए विराट मियामी रवाना हो चुके हैं। इस टूर में अनुष्का शर्मा भी सपोर्ट करने साथ में निकली है। क्रिकेटर टूर्नामेंट में क्रिकेटर्स के साथ उनकी पत्नियों का जाना हमेशा से ही विवादों में रहा है। फ्लाइट में मलाइका को देखकर फैंस में दिखी दीवानगी। जी हाँ, मलाइका के फ्लाइट में एंट्री करते ही अंदर मौजूद लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। सभी मलाइका को अचानक इस तरह से देखकर सीट छोड़कर खड़े हो गए। फैंस का इस तरह का रिएक्शन देखकर मलाइका बेहद खुश हो गई। डेविड धवन पर जमकर भड़के गोविंदा। डेविड धवन पर अपने दिल की भड़ास गोविंदा ने निकाली दी। डेविड धवन के साथ बिगड़े चुके रिश्ते पर सवाल किया गया तो पहले तो वो नाराज हुए, फिर बोले, मुझसे ये सवाल तब पूछा जा सकता है जब उनका बेटा वरुण धवन उनके साथ 17 फिल्में कर लेगा। मुझे नहीं लगता कि उनका बेटा कभी उनके साथ 17 फिल्में करेगा क्योंकि वो डेविड धवन का बेटा है। करण जौहर की हाउस पार्टी पर कंगना की बहन रंगोली का शायराना तंज। फिल्म मेकर करण जौहर के घर हुई हाउस पार्टी की वीडियो को जबरदस्त ट्रॉल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस का कहना है कि वीडियो में सभी सितारे नशे की हालत में हैं। खास तौर पर विकी कौशल को टारगेट किया जा रहा है। कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने इस पर वीडियो पर जो तंज कसा है, रंगोली का शायराना अंदाज दिलचस्प है। रंगोली चंदेल ने लिखा, हर एक जिस्म घायल, हर एक रूप प्यासी, निकाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलम बदवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। 15 साल छोटे बॉयफ्रेंड से करने जा रही हैं सुष्मिता सेन शादी। 45 साल की सुष्मिता सेन खुद से 15 साल छोटे बॉयफ्रेंड रोमान शॉर्ट से शादी करने जा रही। एक जानी मानी मैगजीन में छुपी खबर के माने तो इस साल नवंबर में शादी करने जा रही हैं सुष्मिता सेन। रोमान सुष्मिता सेन को पहले ही प्रपोज कर चुके हैं और एक्ट्रेस भी उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर चुकी है। आज के टॉप 5 एंटरटेनमेंट न्यूज़ में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी। आज के लिए इजाजत दीजिए, बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।